आवेगी और एल डी आवेगी। हाँ बिल्कुल, सुनो सुनो सुनो, हमें हमें भाई सुनो सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। एक हमें ड्यूटी थी रात की, एक दो सीट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दो सीटों पे फर्क पड़ेगा नहीं, सारी सीट योगी की आनी है, एक दो बिल्कुल लोक दल की एक सीट आनी है, एक नहीं दो आ जाएगी बस, क्या हो रहा है एक दो से कुछ नहीं हो रहा, सबका साथ योगी के नाम के सारे बटले हो रहे, बिल्कुल और जब भी नहीं, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे काफी लोग मौजूद है तो उनमें से कितने लोग बीजेपी के साथ सभी 100% आपके आएगी, 100% बीजेपी को यू तो गठबंधन तो लोकसभा चुनाव भी था इनका, वही फेल हो गया था, वहाँ मायावती भी थी साथ में, वो ठगबंधन था और ठगबंधन में वो पहले बसपा और समाजवादी आई थी, एक सीट मुश्किल आ सके, हम जाट कम्युनिटी देंगे, कास्ट क्या बताई आपने, हम जाट है, लोग बोल रहे हैं कि जाट वोट तब की बात नाराज है भी, जाट ना इनका कत्लेआम नहीं देखा के 2013 में, 2013 में जाट इतने कमजोर थोड़ा है, इतने ज्यादा कमजोर है, जय सिया राम, जय सिया राम, योगी मुख्यमंत्री बन गया। ऊपर जाएगा, आपको भी लगता है कि योगी सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी योगी सरकार, बिल्कुल सुनो, पहले जो है सरकार में मोटरसाइकिल लेके आते थे, कहाँ उत्तर प्रदेश में, और गाड़ी कहाँ जाती, मिस्त्री का, मिस्त्री का, आज सड़क मिल रही ना ना, इसलिए सिस्टम कहाँ गई, शामली से सहारनपुर के पेड़ गए कहाँ, सड़क कौन सी बनी थी, कोई सरकार नहीं, सारे पैसे बेच के खागी सरकार, वहाँ 550-600 करोड़ रुपए जो है सरकार के खा गए, और जो पेड़ कट दे सहारनपुर से शामली की पेड़ कहाँ गए, सब अगले सरकार अखिलेश खा गया, और सरकार ने पास कर दिए, वो पास भी नहीं हो पाया, इनके घर में लड़ाई है, एक मिनट सुनिए मेरी बहन है, तू एक बात कहूँगा मैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, ठीक है, योगी आएगा चाहे मोदी आएगा कोई भी आएगा, केवल एक ही आएगा, छोड़ दिया, योगी आओ चाहे मोदी आओ तो आएगा, तो योगी है तो योगी है, योगी योगी, अरे हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सामने बोल सके, चाहे वो देश हो चाहे कुछ भी हो, वो नहीं आएगा, पूरी आजादी है बोलने की योगी सरकार में, पहली नहीं थी, पहली नहीं थी, पहले बहन जी कोई कार्रवाई भी नहीं होती, अगर किसी के किसी की लड़की छेड़ दी हिंदू ने, हिंदू की लड़की छिड़ गई किसी छिड़ गई तो उसकी कार्रवाई नहीं होती, माँ मुझे छुड़ाने वाले नेता पहले फोन जाते, उधर तो गठबंधन हो गया है, अजी गठबंधन का पहले भी होता, ये गठबंधन का पहले भी होता है, गठबंधन है, अजी एक बात बताओ, सरकार है गौशाला खुलवाई, गौशाला खुलवाया क्या फायदा करा, जब गौशाला खुलवाई विचार थे ना बंद करवाने थे, नहीं करवाने थे, ये कहीं रोड पे मर रहे, कहीं कहीं पे मर रहे, कितने एक्सीडेंट हुए, भाई साहब सड़क में गड्ढे खोदते क्या, सड़क में गड्ढे खोदा मिस्त्री गाड़ी जाओ भाई, यार अदोगी तो नुकसान होगा तो कहाँ जाओगे, अरे भाई मुझे बोलने देना, तू क्यों बोल रहा है, कितने एक्सीडेंट हुए बिजारों से, गाँव से रोडो पे घूम रहे, कितने लोग मर लिए आज तक, रिकॉर्ड है सरकार के पास कुछ, कुछ नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, पहले नहीं मर रहे, पहले मर रहे थे, पहले भी थे, कौन नहीं मर रहा, सब मर रहे, कौन नहीं मर रहा, तू बता बात हुआ, अरे चौधरी साहब के पीछे चौधरी साहब लग गया, रोड पता पता नहीं कितने मरे, अजी 365 मरे रोड, सरकार का भाई खत्म लेगा बैटरी, ये कौन मर रहा जी, मोटरसाइकिल 150 की स्पीड भगाओगे तो मरेगी क्या, गाड़ी सौ क्या, सरकार कोई सी भी आए जब स्पीड ज्यादा चलाएगा तो मरेगा वो, तो लिमिट में चलो, लिमिट में चलो, लिमिट में चलो, एक बात बताओ, कितने कितने लोग मर लिए पता था मैं, बस नहीं पहले भी मरे होंगे, पहले भी मरे पर बिजारों से तो नहीं मर रहे थे, नो बताओ बिजारों से मरे थे क्या, इन्हें बंद तो करवाती सरकार, अगर लोगों के खेत में भाग, वो तो हम जैसे लोग ही कर सकते हैं ना, अब ये तो है नहीं कि सरकार खुद आएगी और बंद करेगी, हम सुबह शाम खेत में भाग गए, अब घर जाएंगे बिजारों के पीछे लट लेके भागेंगे, हमें दे रखा है
हमें लट लेकर भागना पड़े उनके पीछे, हमारी उम्र रह रही है जब बेचारों के पीछे भागने। जब एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं बेचारों की वजह से, तो दो चार आदमी मिलके उनको गड्डी में बंद करके छोड़ी आई है गौशाला में। गौशाला लेते नहीं गौशाला वाले, गौशाला वाले तो बाहर फिर रहे छुटे, वहाँ खाने को नहीं है कुछ, खेतों में छोड़ दे। सरकार ने हर जगह गौशाला खोल रखी है, हर गांव के 3-4-5 किलोमीटर एरिया में हर जगह सब, लेकिन जब प्रधान लोग पैसे लेकर अपनी जेब में लगा जगह और वहाँ नहीं लगाने गए तो बेचारे बाहर घूम गई। आपका गला सूख गया होगा, पानी पी लीजिए। गला सूखने की बात नहीं, मैंने मेरा गला फट गया। सामने में इतनी भीड़ भाड़ रहती है, किसी ने इसको कम करने की कोशिश की पहले कभी? अब बाईपास बनने लग रहा है, भीड़ तो आप भी है, देखिए भीड़ तो बन जाने दो ना। बाईपास बनेगा तब भीड़ कम होगी ना, बाईपास बनने के बाद भीड़ नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। पहले किसी ने सोचा ये आइडिया? किसी ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। यार क्या हो रहा तेरे, हो क्या रहा, तू लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बात कर रहा है भाई? रोड ई भी बनी, इब जब चुनाव आ रहे सारे काम ई भी होने लग रहे, पहले तो कहां थे? क्यों बहन जी, बहन जी आप बताओ, रोड अभी बनेगा भाई साहब? मेरी चौधरी साहब मेरी बात सुनो, चौधरी साहब मेरी बात सुनो, अभी रोड बनने गए? रोड के आप क्या किलोमीटर जाते हो? मैं 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, और 4 दिन 6 लेन के 6 लेन। सुनो सुनो, आराम से बन जाइए, आराम से, वो आराम से बोल रहे हैं, आप भी आराम से बोलिए। 6 लेन के हाईवे 6 लेन हाईवे कहीं भी जाता हूँ मैं, 2000 किलोमीटर गाड़ी, बॉम्बे तक गाड़ी लेकर जाता हूँ मैं, और कहीं भी मजे एक डेगा ना चलिया, हर जगह 6 लेन 6 लेन 8 लेन तक रोड बना रखे, और क्या चाहिए? भाजपा में हुए, हुए क्यों नहीं, चारों तरफ हो रहे, हिंदुस्तान में हो रहे, पूरे भाजपा यहाँ को भाजपा आएगी, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे, हिंदुस्तान में हाँ पूरे हिंदुस्तान में। अभी चुनाव आए हैं, चुनाव आते ही काम होने लगे, कौन सी भर्ती पहले हो रही है? भर्ती का नहीं पता, मुझे पता कि विकास भी हो रहा और काम भी ठीक ठाक, सारे काम हो रहे, सब कुछ होगा। गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी, युवा भुखा मर रहा, युवा सड़क पे घूम रहा, युवा सड़क पे घूम रहा, युवा सड़क पे घूम रहा, कौन सी भगवान वाले भी पीछे आ गए? वैकेंसी बता दो मुझे कौन सी निकल ली? 5 साल हो गए गवर्नमेंट को, 5 साल यो युवा भी घूम रहे, युवा पढ़ रहा, अपना पैसा खर्च कर रहा, सरकार में तीन बार भर्ती हुई है, सब सरकार में तीन भर्ती हुई, तीन बार भर्ती हुई है, 35,000 की एक हुई, 41,000 की एक हुई, 49,000 की एक हुई, जब कोई मेहनत नहीं करता लगे कहाँ था? 5 वर्ष लगा, 5 वर्ष की मेहनती वर्ष लगा, मेहनती 35,000 की, 41,000 की। सुनो, 31,000 की पुलिस की हुई, 41,000 की पुलिस की हुई, 49,000 की पुलिस की हुई, जेल वार्डन की हुई, जेल वार्डन की हुई, कुछ आबकारी भी हो लग रही, और कितनी भर्ती लोग 5 साल में 1,00,000 भर्ती पुलिस की, और क्या लोग यार नहीं, और जान लोग अखिलेश के याद में, भाई मैं सॉरी, पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? एक मिनट, अखिलेश के याद में सारे यादव लग रहे, यादव अब हर बंदा लग रहा। और सुनो एक बात, 2013 में दंगा हुआ था, 2013 में दंगा हुआ था, जितने भी जाट भाई आए, जितने भी आए, जेल में सबसे ज्यादा कौन गए? अरुण गौरी, यहाँ किसने करवाया? जाट सबसे ज्यादा है क्योंकि प्रताड़ित किए गए, जेड़ में ठूस दिया अखिलेश ने सब जाट, और छुड़ाए किसने? किसने छुड़ाए भाई? योगी ने छुड़ाए होंगे, किसने छुड़ाए? सबसे अच्छा काम जाट भाई, कितने 800-900 पंचायती जेड़ में, जेड़ में सड़े हुए जेड़ में, चलो चलो जाट भाई सारे जेड़ में थे भाई, छुड़वाए किसने भाई? किसने काम किसने करा? हक की बात करो भाई, हक की, बिल्कुल ठीक है, नहीं सहमत नहीं है, क्योंकि एक भी वैकेंसी निकली नहीं है सरकार में,
पुलिस की वैकेंसी निकली है, कम से कम 3 वैकेंसी रद्द हुई है अभी पुलिस की भर्ती में। दो भर्ती सिर्फ हुई है। यूपी टेट में क्या हुआ? यूपी टेट में धांधली, बीजेपी का बंदा था वो छोड़ दीजिए, भर्तियां होती रहेंगी। भाई यूपी टेट का पेपर होया धांधली हुई, रद्द नहीं की भर्ती, पेपर हो तो तुरंत ही 1 घंटे बाद रद्द कर दीजिए, पूरा पेपर भी नहीं होने दिया, रद्द करो भर्ती को। ऐसा होया पहले कभी? बीच में पेपर में बच्चे उठा दिया, भर्ती रद्द, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक भी बार होया 70 साल से कांग्रेस ने राज करा है, क्या धारा 370 हटा पाई? वा नहीं हटा पाई है, बताइए क्या हटाया उसने? क्या राज करा उसने? राम मंदिर बनवाया नहीं बनवाया? बनवाना ही था। बाबरी मस्जिद राम सिंह की सरकार में जो भी भर्ती हुई सब रिश्वत से हुई। केला शिवपाल यादव 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 50,000 दे दो, उस लिस्ट आज अतिथि यादव की केला कितनी 50 की लिस्ट मेरी है, बिल्कुल ये आ गई। हाँ बताओ जैन चौधरी को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि चौधरी साहब को। मीडिया उसके पक्ष में बोलेगी जो सीएम है। अच्छा आधा सहायता लग जाएगा महीने में, 12 सीट है लोकदल की, 12 सीट है लोकदल की। मोदी ने कहा 2 करोड़ नौकरी, कहा 2 लाख नौकरी थी, बच्चे जोड़ से मरे वोट देने के लिए टोटल बीजेपी पे गए और 1 भी नौकरी नहीं थी। अंकल जी आप बताइए, आप बताइए, मैडम इधर आइए, अजीत सिंह के राज से छपरौली रिजर्व सीट थी, कैसे चली गई? वाह क्यों चली गई बताओ, कैसे चली गई? काम नहीं करा वहाँ पे, गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया। युवा है आप, बोलिए बोलो कुछ बोलो। मैकेनिक हूँ, बताओ मैकेनिक हूँ। 2022 में क्या माहौल है, कौन सी सरकार आने वाली है, किस सरकार का है? क्या हम इतना माहौल है, हम पहले अगर किसी ग्राहक के यहाँ चले जाते थे साई के नाम के 5,000-10,000 रुपए लेने, तो वहाँ से 100 रुपए लेकर आ करते कि हमारे पैसे हमारी दुकान पे देना ना, क्योंकि रास्ते में कोई ना कोई हमें चले यहाँ दे जाओ। और आज वो टाइम है कि मैं 5,000 रुपए 2 लाख रुपए जेब में लेकर घूमता हूँ, कोई भी आज तक टच नहीं खड़ा है, तो बड़ी सुरक्षा है, बड़ी सुरक्षा है। और उस टाइम पे मुलायम सिंह के एक बयान थे बलात्कार के ऊपर, कहने बच्चों से गलती हो जाती है, ये मुलायम सिंह के बयान थे। आज जो गलती कर रहता है उसे सजा मिलती है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, किसी भी माहौल का हो, या तो गोली मिलेगी या जेल जाएगा, गोली मिलेगी जेल जाएगा, या तो गोली मिलेगी आज के राज में योगी के, या जेल जाएगा। जो कोई करेगा उसे सजा मिलती है, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, मुलायम का आदमी हो, या कोई आदमी हो, किसी का भी सुनवाई सबके लिए होती है। आज बच्चे बाजार में घूमती है, कोई परेशान करता है 100 नंबर फोन करते हैं, तुरंत कार्रवाई होती है। और बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है, बस संतुष्ट है, घर परिवार हमारे, घर वाले हमारे, बच्चे बाजार में माहौल में किसी हाल घूम लो। मैडम एक तरफ ओबीसी भी है, उधर गठबंधन भी हो चुका है, बीजेपी भी दावा कर रही है, नीतीश भी दावा कर रहे हैं, जयंत के साथ अखिलेश का गठबंधन भी हो चुका है, फिर भी लगता है कि बीजेपी आ जाएगी। 100% आओगे, 100% आओगे, आएगी 100% बीजेपी को, यू तो गठबंधन तो लोकसभा चुनाव भी था इनका, वही फेल हो गया था, वहाँ मायावती भी थी साथ में, वो ठगबंधन था, और ठगबंधन में वो पहले बसपा और समाजवादी आई थी, एक सीट मुश्किल आ सके, हम जाट कम्युनिटी दी है। कास्ट क्या बताई आपने? हम जाट है, लोग बोल रहे हैं कि जाट वोट तब की बात नाराज है अभी जाट ना, इनका कत्लेआम नहीं देखा के 2013 में, 2013 में जाट इतने कमजोर थोड़ा है, इतने ज्यादा कमजोर है। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम।
मंत्री बनगा, योगी मुख्यमंत्री बनगा, युवाओं का विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, युवा है। जय सियाराम, योगी जी तो सब खुश है। और जो इनका गठबंधन ठगबंधन 2019 में लोगों ने देख लिया था, 2013 में इनका कत्लेआम देखा, बिल्कुल इस लोकदल की सरकार 2013 में सबने देख ली थी। अभी बताइए विकास कार्य की अगर बात करें तो कुछ लोग बोल रहे कि कुछ विकास नहीं हुआ सड़कों को अलावा, आपको क्या लगता? विकास ही 2014 में योगी मोदी जी की जब सरकार बनी उसके बाद केंद्र में होया, और प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी 2017 में उसके बाद होया। उससे पहले विकास नहीं था, जंगल राज था इस देश में। यहाँ अलग अलग माफियाओं की बाहुबलियों की हुकूमत चली थी। अब सच्चा लोकतंत्र इस देश में लागू हुआ तो 2017 के और 2014 के बाद देश में हुआ। इधर बताओ और सरकार जनता बिल्कुल संतुष्ट है। 2022 में क्या माहौल है? योगी जी, योगी आएगा, योगी। हम राजपूत हैं, राजपूत हैं, राजपूत भी बीजेपी के साथ हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ तो जाट भी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी आ भी जाए तो सीटों पे फर्क काफी ज्यादा पड़ेगा। एक दो सीट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दो सीट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दो सीटों पे फर्क पड़ेगा। नहीं, सारी सीट योगी की आनी है, एक दो बिल्कुल लोकदल की एक सीट आनी है, एक नहीं दो आ जाएगी बस। क्या हो रहा है, एक दो से कुछ नहीं हो रहा, सबका साथ योगी के नाम के सारे बटले हो रहे, बिल्कुल। और जब भी नहीं, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे काफी लोग मौजूद है तो उनमें से कितने लोग बीजेपी के साथ है? सभी, आप सभी बीजेपी के साथ है? ऐसा कुछ नहीं होता, जिंदगी अस्सी साल से है। मेरी छपरौली विधानसभा है, आज तक आरएलडी वहाँ से आती नहीं, और हरा नहीं सकता किसी की मत नहीं जो आरएलडी को आता है छपरौली विधानसभा पे। जब जब इलेक्शन होगा जब पता चल जाएगा, लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। बिल्कुल, सतपाल सांसद है, उन्हें नहीं पता होना चाहिए, सतपाल विधायक नहीं है। आदल डी आवेगी। हाँ बिल्कुल, सुनो हमें जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। एक हमें ड्यूटी दी रात की, जानवर हमारी फसल खावे, नाइट ड्यूटी दे रखी वो सबसे अच्छी। जो किसान है उससे पूछ लो नाइट ड्यूटी किस किस की लगती है, योगी जी ने गौशाला बनवा रखी, व्यवस्था कर रखी, अपने पशु सब जितने आवारा है गौशाला में उसकी व्यवस्था है। तो मुद्दा है इनका, ये 5% अगर किसान की नाइट ड्यूटी लगी है, अगर किसान की नाइट ड्यूटी लगी है जानवरों को पेलने की, लेकिन योगी जी ने वो माहौल भी तो दिया कि नाइट में जाकर पेल लो, पहले तो वो भी माहौल नहीं था।